हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। गांव धोने के लिए पानी नहीं है तो वेलकम मेरे भाइयों, कैसे हो यार। तो भाई आज का वीडियो ना थोड़ा अलग है भाई, होम विलेज पे नहीं है, बिल्डर बेस पे नहीं है। आज का वीडियो है भाई रेड वीकेंड पे। भाई रेड वीकेंड पे हमने कोई न्यू आर्मी ट्राई करी थी और भाई बहुत मजा आया था, सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। तो भाई हमेशा 5 अटैक अपने को मिलते हैं, आपको 6 करना पड़ता है अगर आपने 100% किया है। तो हम तो वैसे भी हर बार 6 अटैक करते हैं। तो फिलहाल ये वाली आर्मी पे हम न्यू अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल आर्मी से हम अटैक करने वाले और सारे अभी तक खाली हमारे पास। तो चलेंगे, कौन सी आर्मी आप पहले वो देख लो, उसके बाद चलते हैं। सबसे पहले अपन बलून लेगन को उड़ाएंगे क्योंकि हमारा फेवरेट है भाई। यहाँ पे देखो 43,000 बंदे ने मारा इस आर्मी के साथ और भाई सारा क्लैन ना यही आर्मी यूज करता है। तो भाई सबसे पहले अपन बलून लेगन को स्काउट करेंगे। तो भाई ये विलेज है और इसमें कुछ 8,500 की लूट है और ये अपनी आर्मी है। 13 हॉग राइडर्स लेके जा रहे हैं, 8 बैटल रैम, 1 अपना बारबेरियन और बाकी 3 अपना स्केलेटन स्पेल। तो सबसे पहले 3 स्केलेटन स्पेल ड्रॉप करते हैं। देखो ये जो अटैक है ना, ये मुझे सिखाया हमारे लीडर ने। एक्चुअली मुझे अटैक करना नहीं आता था लेकिन भाई जब अटैक यूज किया ना तो बहुत ज्यादा मजा आने लगा भाई। जलवा है हमारा। बेसिकली भाई ये आर्मी है ना, 2 अटैक में कंप्लीट हो जानी चाहिए भाई। अगर 2 अटैक में आप कंप्लीट कर लेते हो ना तो भाई आपका आराम से 25,000 क्रॉस हो जाएगा भाई। और मेरा जो क्लैन में एक बंदा है ना भाई, एक ही अटैक में 8,000 मारता है भाई, 40,000 ये लूट जमा कर लेता है। मेरे को समझता नहीं भाई वो कैसे करता है, लेकिन भाई अपन भी ट्राई करेंगे। मैं रेड वीकेंड ज़्यादा करता नहीं हूँ, सिर्फ रेड मेडल्स के लिए अपन रेड वीकेंड का अटैक मारते हैं, आपको भी पता है। और बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं क्योंकि भाई देखो मेडल्स मिलेंगे तो अपने को वहाँ से लूट कलेक्ट करने मिलेगी, रिसर्च पोर्शन मिलेगा, तो ये भी बहुत ज़रूरी है भाई। और मैं सोचा भाई अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं शायद आपको भी साथ शेयर करूँ, तो आप भी कर सको भाई ऐसा अटैक। अब देखो भाई आप फर्स्ट अटैक मार लेते हो, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली 4,500 या 4,000 के आसपास ही लूट बची रहेगी। अगर आप प्रो अटैकर नहीं हो तो भाई, अगर आप प्रो अटैकर हो तो आपकी बात अलग है। तो भाई उसमें आपको क्या करना है ना, जो आपको स्केलेटन स्पेल है ना उससे आपको टारगेट करना है मेन डिफेंस, जैसे कि अपना ईगल आर्टिलरी हो गई, ईगल आर्टिलरी बोल रहा हूँ सॉरी, रॉकेट लॉन्चर हो गया, सिंगल इन्फर्नो हो गया, या फिर ऐसे मतलब जिसमें जहां पे बंच ऑफ डिफेंस साथ में हो वहां पे आप वो छोड़ो। उसके बाद बैटल रैम छोड़ो, जिससे बैटल रैम फूटने पे आपके स्केलेटन बाहर आएंगे। और हॉक राइडर का आपको काम पता है, पहले स्टन करेगा उसके बाद, तो आप स्टन के लिए 4 से 5 हॉक राइडर रखो जिससे आप अच्छे से और अटैक परफॉर्म करो। और देख लो भाई साहब हमारे पास दूसरा अटैक में कितने सारे अभी तक आर्मी बची है और भाई हमने लूट कितने निकाल लिए भाई, 4,890 के आसपास था ना भाई, तो 4,890 हमने लूट निकाल दिए, प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने अटैक अर्न कर लिया। और भाई अब यहाँ पे ना दूसरा अटैक मारेंगे अपन, यहाँ पे 8,210 यहाँ पे लूट है, तो चलेंगे इस पे अटैक करना। और ये भी मेरे को लग रहा है आसान होता है। देखो भाई यहाँ पे ना अगर आप 50% क्रॉस कर लेते हो ना आपके फर्स्ट अटैक में, तो भाई 100% आपका सेकंड अटैक में हो जाएगा इजीली। लेकिन यहाँ पे अगर आप 50% क्रॉस नहीं करते तो प्रॉब्लम पड़ती है, क्योंकि भाई बाद में ना जो हैवी डिफेंसेज है ना वो प्रॉब्लम देते हैं लास्ट में, जैसे ये ब्लास्ट ब्लो हो गया, फिर अपने रॉकेट लॉन्चर हो गया, ये सारे जो डिफेंस है ना बाद में बहुत, ये छोटे डिफेंसेज है ना भाई, बड़े डिफेंसेज है ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देंगे। देखो यहाँ पे मैं अटैक ऐसे ही करता हूँ, स्टार्ट में दबाना दबादम सब छोड़ देता हूँ, उसके पीछे दबा दम अपने हॉक राइडर्स डाल देता हूँ। देखो मैं परफेक्टली अटैक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अटैक करने के लिए कर रहा हूँ, मुझे पता है भाई मेरे से ज़्यादा कोई अटैक करने वाला होगा यहाँ पे, जो भाई 40-40, 30-30 जरा रेड विकेट मारता रहेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भाई देखो यहाँ पे अगर मैं अटैक कर पा रहा हूँ, जो मेरे से मतलब मेरे जितना भी अटैक नहीं कर पा रहे या फिर मेरे जितना ही अटैक कर पा रहे उनके लिए एक अच्छी आर्मी प्रोवाइड कर रहा हूँ भाई। ये आर्मी है ना आपको बहुत हेल्प करेगी, मेरी गारंटी है। मैं तो यहाँ पे अच्छे से मार भी नहीं रहा हूँ, अगर आप अच्छे से मार रहे हो, टारगेट करके मार रहे हो ना, तो भाई और भी अच्छे से अटैक होगा। देखो भाई यहाँ पे अपने 2 कैपिटल उड़ा दिए 4 अटैक में, अब तीसरी है गोलेम क्वेरी, क्योंकि गोलेम क्वेरी में अच्छी खासी लूट होती है। देखो यहाँ पे 8,000 के आसपास की लूट है, तो अभी सबसे पहले अपने को 3 अपने स्पेल ड्रॉप करने और सब बड़े डिफेंस पे ड्रॉप करो, याद रखना जो रॉकेट लॉन्चर होता है, फिर ब्लास्ट ब्लो होता है, वो सारे डिफेंसेस पे आप लॉक करो स्पेल, जिससे कि उनका मतलब जो डिस्ट्रैक्शन हो सके वो, और आप अच्छे से बैटल रैम और हॉग राइडर से आप अटैक प्रोवाइड कर पाओ। इसके पहले ना भाई मैं जाइंट और सुपर विजार्ड की आर्मी यूज करता था और हिल्स स्पेल यूज करता था, लेकिन उससे भी होता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये आर्मी इजी है और अगर आप प्रॉपरली अटैक कर पाओ तो 25,000 तो 100% हंसते हंसते हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे भी 50% के आसपास कुछ अच्छे से वैल्यू निकाल दी, उसके बाद जो बाकी का है ना वो 6th अटैक में अपना कंप्लीट हो जाएगा। पहले यहाँ पे से मैं लूट खाली कर लेता हूँ भाई, और यहाँ पे मैं प्रायोरिटी के हिसाब से लूट करता हूँ, जो अपने लीडर ने या किसी को लीडर ने मार्क करके रखा रहेगा। बस अभी जो अपना सेकंड अटैक है वो खत्म करना है, उसके बाद अपन ने 6 अटैक में कितना कर लिया अपन वो देखेंगे। अब सबसे पहले 3 अपन मेन या एक यहाँ डाल देंगे, एक यहाँ डाल देंगे, एक यहाँ डाल देंगे, उसके बाद सारे अपन बैटल रैम ऐसे ही छोड़ देंगे, ये इजीली हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा है नहीं। लेकिन इस पर लूट है 4,500 की भाई साहब, जो मतलब बेस पे दिख रहा ना उसके हिसाब से उसकी लूट है
है नहीं, उससे ज़्यादा ही लूट दे रही है। और भाई अपने ये जो मतलब वैल्यू की है ना, बहुत मज़ा आता है ये अटैक, आप ट्राई करो, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। अगर आपको मतलब आर्मी चाहिए तो भाई स्क्रीनशॉट लेके रखो, या फिर इसका मैं प्रोवाइड काम करूँगा, प्रोवाइड कर लूँगा इसका लिंक। तो हमने कितना अभी गेन कर लिया ऑलराउंड, वो चेकआउट कर लेते, सारे अटैक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब भाई यहाँ पे आ जाएंगे, जितनी अपने पास बची खासी लूट है 5000 के आसपास, वो भी अपन डोनेट कर लेंगे सुपर बारबेरियन बैरक्स में। अब यहाँ पे मैंने कितनी लूट मारी है वो देख लेंगे। ओके भाई 25,900 मतलब ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास लूट। देखो भाई जितनी अच्छी लूट करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि भाई उसके ज्यादा आपको क्लैन का ही फायदा होगा, आपको मेडल्स भी अच्छे खासे मिलेंगे, आपका एक्सपीरियंस लेवल भी बढ़ेगा, प्लस आपके जो वो जो रहते हैं ना एक्सपीरियंस, वो क्या बोलते हैं उसमें, रिवॉर्ड लिस्ट, वो भी सब में क्लियर होगी। तो बस यार मेरे तरफ से आज के लिए तो इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत अमेजिंग वीडियो आने वाली है। और भाई कुछ और अपन ने सोचा है मिमिक्री ऐसे कुछ करने के लिए, मतलब उसी के अंदर। तो बस यार सपोर्ट दिखाना, आपको प्यार दिखाना है, आपका साथ चाहिए, आपका सब कुछ चाहिए। तो बस यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो आपके सीओसी फ्रेंड के साथ, और अपने को टाइटन 3 पे भी मतलब जल्दी अपने क्लाइंट को प्रमोट भी करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।